नमस्कार, मैं हूं मैक और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। खबर है करनाल की, जहां करनाल के नजदीक पश्चिमी यमुना नहर में विशाल नाम के युवक ने नहर में छलांग लगा दी, जिसकी सूचना मिलते ही रामनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले का संज्ञान लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक अपने दोस्त के साथ नदी पर जा रहा था और आपस में कल किसी के कूदने की वारदात की चर्चा कर रहे थे कि अचानक विशाल ने अपना मोबाइल फेंक कर नहर में छलांग लगा दी। विशाल के साथ चल रहे अपने दोस्त ने बताया कि वह दोनों नदी के किनारे आए और बातचीत कर रहे थे कि अचानक विशाल बातचीत करते करते नदी में कूद गया और जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। मौके पर रामनगर पुलिस ने पहुंचकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यहां हम आपको बता दें कि एक दिन पहले भी करण लेक के समीप एक युवक द्वारा नहर में छलांग लगा दी गई थी। इन वारदातों से आसपास के इलाकों में डर का माहौल व्याप्त है। क्या हुआ था, क्या बातचीत हुई थी तुम्हारी? किस कारण? कौन था वो लड़का? मामा था। तो कोई नाराजगी थी पहले, कोई घर में लड़ाई झगड़ा? नहीं कुछ। क्या नाम है मामा का? विशाल। तो आपने देखा उन्होंने यहाँ पर कूद लगाई है अभी? तो कोई मामला तो होगा कि लड़ाई झगड़ा हो या नाराजगी होगी जिसके कारण उसने यहाँ पर कूद लगाई? कहाँ से आ रहे थे आप? घर से ही आ रहे थे या कहीं से? कहाँ कहाँ जा रहे थे? यहीं वैसे घूमने के लिए। मैं आपका नाम क्या है? क्या नाम है सर? विशाल। विशाल, तो क्या जानकारी मिली सर अब तक? ये है भी दोनों मान जा रही है, आपस में आ रहे थे नहर पे बातें करते जा रहे थे। एक लड़का पहले कुछ आना डूब गया तो उसके बारे में कह रहा था, वो डूब गया और इतने कहते कहते फोन बैंक के और उसमें छाल मार, नहर में छाल मार रही थी। तो बताया गया है कोई घर से परेशानी या कुछ? ना अभी तक कोई। तो सर कितने वर्षीय लड़का था ये? 30 साल का। लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।